नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के मुहेर रिलायंस मैगजीन गेट पर आए हुए हैं। यहां देख रहे हैं कि मुहेर ग्रामवासियों द्वारा रिलायंस का मैगजीन गेट को रोक दिया गया, मैगजीन की गाड़ी नहीं जाने दिया जा रहा है। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, काफ़ी आरोप रिलायंस पर लगाया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो विस्थापित हैं उनको रिलायंस द्वारा नौकरी नहीं दी गई है। जो महंगाई भत्ता इनको दिया जा रहा था, महंगाई भत्ता भी 4 महीने से बंद कर दिया गया है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पानी रिलायंस द्वारा दिया जा रहा था, जो कि आज घटाकर 30 लीटर और 20 लीटर कर दिया गया है, जिससे इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आइए, बहुत लोग हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम कुछ लोगों से आपसे मिलवाते हैं कि इनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं। क्या समस्या है आप? हमारा यही समस्या है कि जो 18 साल का जो है लड़के, कम से कम 80 या 90 आदमी हैं, और उसको ना नौकरी मिल रहा है और उसको ना प्लाट मिल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे? हम लोग तो जो है तो नौकरी सिक्योरिटी के काम कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिए। 4 महीना का हमारा तनख्वाह भी नहीं मिला है, घर भी गिरवा दिए, खाली देश के रिलायंस में हम किधर जाएंगे? और प्लाट भी हमारा फैलन नहीं किए हैं। आप देख रहे थे, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 70-80 आदमी ऐसे हैं जिनको रोजगार रिलायंस द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि उनका घर गिरवा दिया गया है, उनको रहने का कोई जगह नहीं रहा है। और पानी का समस्या लगातार जो है, इनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि मुहेर गांव में पानी की बहुत समस्या है। कुछ औरतें भी हमारे साथ खड़ी हैं, आइए हम इनसे मिलवाते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं? क्या समस्या है? समस्या यह है कि देखिए सर, ऐसा है कि हमारे घर में, हमारा घर के पास हमारा भी हिस्सा उधार गया है, और जो है 3-4 लोग बाकी है, उनका घर हम कैसे उधार सकते हैं? सबका हिस्सा है ना, हम अपना हिस्सा भर तो उधार दिए हैं, और उसमें सबका हिस्सा, दादी का है, देवर का है, लड़का का है, और हमारे लड़की की नौकरी दी गई है रिलायंस में, तो वो भी बैठाया गया है, आज 9 दिन हो गया। देखिए, हमारे साथ महिलाएं भी बनी हैं गेट पर, महिलाएं भी जो है ग्रामवासियों के साथ आई हैं गेट पर। इनके द्वारा बताया जा रहा है, इनका लड़का रिलायंस में नौकरी करता था, उसका भी जो है ड्यूटी बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि मेरा घर रिलायंस कंपनी द्वारा गिरा दिया गया है, रहने का ठिकाना नहीं है, और इनका बच्चा नौकरी कर रहा था, उसका भी घर गिरा दिया गया है। हमारे साथ और लोग बने हैं, आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं कि इनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है? समस्या है देखिए कि ड्यूटी लग रहा सिक्योरिटी वो बंद कर दिया, कहे कि शिफ्ट करो, प्लाट नहीं दिया है तो कहाँ हम लोग जाएंगे? वो बोलता है कि घर का हम दे रहे हैं 4 महीना का भाड़ा, उसी में जाओ, कहाँ हम जाएंगे? हमारा छेरी है, बकरा है, लौजार देहाती आदमी कहाँ जाएंगे दूसरा रंग? वो बंद कर दिया, कोई दर देखिए, एक दर नहीं, कोई दर। आप देख रहे थे, इनके द्वारा भी बताया गया है कि काफ़ी समस्या है, इनका भी घर गिरा दिया गया है, नौकरी नहीं दी गई है। और हमारे साथ और लोग बने हैं जिनसे हम आपको मुलाकात कराते हैं, क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप रिलायंस का गेट? मेरा समस्या ये है सर कि जैसे उस समय हम लोग नाबालिग थे, उस समय हटा दिया होता तो हम लोग हट गए होते, अभी बालिग हो गए हैं, 2-2, 3-3 हम लोग का बच्चे हैं, हम लोग कहाँ छोड़ कर जाएंगे? अगर नहीं कुछ कर रहा है तो हम लोग उसी में घर उधार दिए हैं, उसी में फिर घर बनाएंगे, उसी में रहेंगे। हमारा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि रिलायंस द्वारा इनका घर गिरा दिया गया है, लेकिन नौकरी नहीं मिली है, ये बिना घर के हो गए हैं और बेचारों को रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे साथ और लोग बने हैं, आइए हम इनसे भी मुलाकात कराते हैं, ये अपनी समस्या जो है बताएं। जो कि मेरा दिन बोला गया था कि 1 साल के अंदर तुमको रेगुलर कर देंगे, अभी तक नहीं किया गया, बोला है कि घर जबरदस्ती उधार देंगे, जीएसटी लगा कर। आप देख रहे थे, रिलायंस पर काफ़ी आरोप जो है इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे साथ में ये बने हुए हैं भाई साहब, इनका भी कहना है कि हम भी दो बात अपना बोलेंगे, देखिए इनकी क्या समस्या। हमारा मान लीजिए 13-5 से ड्यूटी बंद कर दिया गया रिलायंस के द्वारा, सिक्योरिटी प्राइवेट में काम दिया था, वो भी बाल बच्चों के सहित हमारा घर बोल रहा है कि गिरा देंगे, आप शिफ्ट करो, न प्लाट मिला है, न कोई भत्ता दे रहा है, न कोई नौकरी दे रहा है, हमको बैठा दिया 13-5 से। आप देख रहे थे, कई लोगों से हमने आपको अवगत कराया, सभी लोगों की समस्याएं वही है, नौकरी रिलायंस कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है, इनके घर को उजाड़ दिया गया है, रहने का इनका जो है काफ़ी समस्या है। जिन बातों को लेके आज ये रिलायंस गेट का जो मैगजीन गेट है, मैगजीन की गाड़ी है, उसको बंद कर दिए हैं। कैमरामैन सुधीर तिवारी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज़, सिंगरौली।